नमस्कार दोस्तों, नया साल यानी कि 2020 आने वाला है, इसीलिए मैं सौरभ आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम संख्या तत्व के अनुसार जानेंगे 2020 हमारे लिए कैसा रहेगा। हमारा ये 2020 का फल विचार जो है ये सिर्फ जन्म संख्या के ऊपर आधारित होगा, यानी के जिन लोगों का 1, 11, 19 और 28 को किसी भी महीना या साल में जन्म हुआ है उन लोगों के लिए जन्म संख्या होगा 1। और मेरे जिन जिन दोस्त लोगों के जन्म संख्या 1 है 2020, उन दोस्तों के लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। नौकरी में उन लोगों का प्रमोशन होने का संभावनाएं हैं, बिजनेस और पेशा में भी इन लोगों का बहुत सारा अर्थ प्राप्ति होगा। मेरे जो दोस्त सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अगर संपूर्ण एकाग्रता और धैर्य के साथ तैयारी में लगा रहे तब उनके लिए ये साल शुभ फलदायी होगा। मेरे जो दोस्त सिंगल है उन लोगों की विवाह होने का प्रबल योग इस साल में दिखाई देता है। लव रिलेशन के लिए इस साल थोड़ा बहुत अनबन लगा ही रहेगा, फिर भी लव रिलेशन अच्छा ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इस साल। अगर मेरा कोई दोस्त खुद के मकान या फ्लैट खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो अपना प्रयास और कोशिश को बरकरार रखना आपके लिए शुभ होगा। ऐसे जातक को इस साल खुद के बातों में थोड़ा सावधानी परखना चाहिए, तब उसके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों का 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्म, उनके लिए इस साल शुभ फलदायी होगा, लेकिन उनके लिए कल्पना से बाहर होके वास्तव दुनिया में पैर रखना जरूरी है। ये साल इन लोगों के लिए विदेश यात्रा का संभावनाएं हैं। ये अगर इस साल ज्यादा परिश्रम के लिए खुद को तैयार रखे तब ये साल इन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। प्यार के मामले में ऐसे जातक इस साल अपने साथी से जरूरत से ज्यादा ही प्यार पाएगा, लेकिन इसके लिए खुद को अपने साथी की तरफ वफादार रहना जरूरी है। मेरे जो दोस्त सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, वो अगर खुद के एकाग्रता को बरकरार रखे तब ये साल उसके लिए शुभ फलदायी होगा। अपने संतान के स्वास्थ्य के लिए नजर देना जरूरी है और ये भी देखना पड़ेगा कि वो किसी भी असत संसर्ग में ना पड़े। मेरे जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उसके प्रमोशन के संभावनाएं इस साल है। जो बिजनेस और प्रोफेशन में है इस साल उनके लिए भी शुभ फलदायी होगा। जिन लोगों के 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्म है उनके लिए इस साल शुभ नहीं होगा। ऐसे जातक कर्मक्षेत्र और पारिवारिक समस्याओं में फंसा ही रहेगा, इसीलिए अगर वो अपना बुद्धि से काम ले और धैर्यों से काम ले तब सारा परेशानियों का हल हो सकता है। आप अपना ऑफिस के काम पे बहुत सारा ध्यान दे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता के सेहत पे आपको इस साल ध्यान देना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। प्रेम के संबंधों में थोड़ा सतर्क रहिए, वरना आपके साथी आपको शक के आधार पे देख सकते हैं, इसीलिए आप लोगों का संबंध टूट भी सकता है। ऑफिस या कर्म क्षेत्र में कोई भी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। दाम्पत्य जीवन इस साल आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। जिन लोगों के 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्म है, मेरे उन दोस्तों के लिए
इस साल बहुत शुभ रहेगा। कर्म क्षेत्र, व्यवसाय और प्रोफेशन में ऐसे जातक इस साल बहुत सारा कामयाबी को पा सकता है। इसलिए ऐसे जातक को इस साल ज्यादा ही व्यस्त रहना पड़ेगा। इसी वजह से परिवार को वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। इस साल आपको बहुत सारा प्रभाव, प्रतिपत्ति, सम्मान मिलने वाला है। इस साल आपका कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा होने की वजह से अपना पैर सातवें आसमान पे रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से आप भूल कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल योर ओवर कॉन्फिडेंस। जिनके 5, 14, 23 तारीख में जन्म, ऐसे जातक के लिए इस साल ज्यादा खास नहीं रहेगा। इस साल कोशिश करना अपने परिवार को ज्यादा वक्त देने का। अपने साथी के स्वास्थ्य और हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, वरना शादीशुदा जिंदगी में अड़चन आ सकता है। और खुद भी अपने स्वास्थ्य और विश्राम पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। मेरा जो दोस्त बिजनेस में है, उसके लिए इस साल कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। अगर ऐसा परिस्थिति आ भी जाए तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करके, अदरवाइज कोई विशिष्ट ज्योतिष से कंसल्ट करके सिद्धांत लेना। जिन लोगों का 6, 15, 24 तारीख में जन्म, ऐसे जातक के लिए इस साल आय से व्यय ज्यादा रहेगा। लव लाइफ में इन लोगों का चीट होने का संभावनाएं हैं। इन लोगों के घर में कोई शुभ काम होने का संभावनाएं हैं। मेरे स्टूडेंट दोस्तों के लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि वो अगर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान और एकाग्रता को बरकरार रखे तब उसके लिए शुभ रहेगा। ध्यान रखना, अगर कोई भी परेशानी जिंदगी में आए, खुद के ऊपर विश्वास बरकरार रखना, आप जरूर जीतोगे। जिन लोगों के 7, 16 और 25 तारीख में जन्म है, उनके लिए इस साल बहुत सारा शुभ फलदायी होगा। इस साल नया घर या वाहन मिलने का संभावना है। संतान भाग्य इन लोगों के लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के संपर्क में थोड़ा बहुत अनबन होने का संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं कहूंगा वो अपने साथी के ऊपर विश्वास को बरकरार रखे। जिन लोगों के 8, 17 और 26 तारीख में जन्म है, उन दोस्तों के लिए ये साल शुभ नहीं रहेगा। इन लोगों के लिए खुद पे आत्मविश्वास के बल पर इस साल लड़ाई को जारी रखना है। ऐसे जातक को इस साल खुद के स्वास्थ्य और विश्राम पे ध्यान देना जरूरी है। मेरे जो दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इस साल ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करना जरूरी होगा। इस साल कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। ध्यान रखिए, जो भी हो जाए इस साल आपके साथ ही आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों के 9, 18 और 27 तारीख में जन्म है, उन दोस्तों के लिए इस साल बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के सही सिद्धांत लेना आपके लिए शुभ होगा। परिवार से इस साल आपको बहुत सारा प्यार और सम्मान मिलने वाला है। माता पिता के शरीर और स्वास्थ्य के तरफ आपको ध्यान रखना होगा। आप लोगों के विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस साल कोई नया दोस्त के साथ मुलाकात होगा जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके साथ में मैं सौरभ आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर भारतीय ज्योतिष को लेकर कोई भी प्रश्न है तब आप हमें कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तब लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि पुरंजय ज्योतिष के इस चैनल के कोई भी अपडेट आप सबसे पहले पा सके और उसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को समृद्धशाली कर पाए। नमस्कार, खुश रहना।